नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निर्मित YouTube चैनल ज्ञान सुधा सक्सेस साथी पर आपका स्वागत है। मैं बबीता काजल चौधरी बल्लूराम गुदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर राजस्थान से। हम निरंतर बात कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय पर। पृथ्वीराज रासो जो आदिकाल की रचना है और जिसे रासो काल का या रासो ग्रंथों का महत्वपूर्ण ग्रंथ भी माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहते हुए जिन 12 ग्रंथों के नाम दिए थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वह था पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता थे चंद बरदाई, जो पृथ्वीराज के मित्र भी थे, राजकवि भी थे, योद्धा भी थे, सामंत भी थे, उनके राजदार भी थे, उनके सहयोगी भी थे। और इस कथा के जो नायक हैं पृथ्वीराज, वे भी जातीय विशेषताओं से संपन्न पृथ्वीराज चौहान जो हमारे इतिहास में जाने जाते हैं उसे ही लेकर कवि ने रचना की है। और जहाँ तक इसके आकार की बात है, ये बृहद ग्रंथ माना जाता है। 2500 पृष्ठों का लगभग ये ग्रंथ माना जाता है। 69 इसमें समय है, इसे समय कह सकते हैं, खंड कह सकते हैं, अध्याय कह सकते हैं, विभिन्न उसके नाम किए गए हैं और उनमें से एक नाम पद्मावती समय है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। विविध रूपांतरण इसके मिलते हैं, लघु है, अति लघु है, वृहद है, मध्यम है, इस तरह से 4 रूपांतरण उसके जो हैं वो मिलते हैं, जिसमें वृहद, मध्यम और लघु और अति लघु है, ये 4 प्रकार के। तो पृथ्वीराज रासो पर जब हम बात करते हैं तो पृथ्वीराज रासो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे कहना चाहिए आदिकाल का सबसे अधिक प्रारंभिक हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का सबसे लोकप्रिय, सबसे प्रसिद्ध और साथ ही साथ सबसे विवादित ग्रंथ भी माना जाता है। इसके आकार को लेकर, इसके समय को लेकर, इसके पात्रों को लेकर, इसकी भाषा को लेकर, इसकी ऐतिहासिकता को लेकर इतना वाद विवाद रहा है कि पूरा जो साहित्य जगत है वो 2 भागों में बटा हुआ नजर आता है, 2 भी नहीं बल्कि 3 भागों में बटा हुआ नजर आता है, जिसमें जो एक समूह है जो उसे प्रमाणिक मानता है, एक वर्ग है जो उसे अप्रमाणिक मानता है और एक वर्ग ऐसा भी है जिसे अर्ध प्रमाणिक मानता है, उसके कुछ अंशों को इतिहास से लिया हुआ मानता है और कुछ अंशों को वो ये मानता है कि ये कवि की कल्पना है। तो इस पर बात करते हुए, पद्मावती समय पर बात करते हुए, पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय पर बात करते हुए हम इससे पहले निरंतर 7 वीडियो बना चुके हैं, ये 8वां वीडियो है और 8वीं इस कक्षा में आज हम बात करने जा रहे हैं पृथ्वीराज रासो के बचे हुए शेष पदों पर चर्चा कर रहे हैं, शेष बचे हुए पदों पर बात कर रहे हैं। अब गौर करने लायक बात यह है कि जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो हिंदी साहित्य की दृष्टि से जिस प्रकार से हम उपन्यासों की मूल रचना को पढ़ते हैं, कहानी को पढ़ते हैं, काव्य को पढ़ते हैं, तब हम उसके मूल भाव को समझ पाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम कभी भी केवल प्रश्नों के आधार पर कथा वस्तु की, विषय वस्तु की सटीक कल्पना, सटीक समीक्षा नहीं कर सकते हैं, अर्थात हमें मूल रचना को पढ़ना होगा। अगर हमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है ठीक से तो हमें हिंदी साहित्य का अध्ययन करते हुए मूल रचना को पूरी तरह से ठीक तरह से सूक्ष्मता के साथ अवश्य अध्ययन करना होगा, अन्यथा हम कभी भी उसकी विशेषताओं को गहराई से नहीं समझ सकते हैं, बारीकी से नहीं समझ सकते हैं और इसीलिए उसके ऊपर बारीक जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर देने में भी हमें कठिनाई आती है। तो इसीलिए हम व्याख्या करने की बात करते हैं पदों के बारे में, कवि द्वारा रचित
पद जो होते हैं वो पूरी मूल रचना पर बात करते हैं, जिससे न केवल हम उस रचना की कथा वस्तु को, विषय वस्तु को हम समझ सकते हैं, बल्कि बहुत सारे प्रश्न उसके अंदर से हल करने की क्षमता हम विकसित कर सकते हैं। हम उसकी विशेषताओं के बारे में, उस काव्य रचना की विशेषताओं के बारे में जान सकते हैं, भाषा शैली के बारे में जान सकते हैं, उसके काव्य सौंदर्य के बारे में जान सकते हैं, और बहुत सारी बारीक बातें। मसलन हम जब हम पद्मावती समय की बात करते हैं तो हम कथा की बात करते हैं, और हम ये हमसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें कौन सा रस प्रधान है, श्रृंगार रस प्रधान है अथवा वीर रस प्रधान है, तो जब तक हमने इसकी मूल रचना को, पद्मावती समय के सारे पदों को नहीं पढ़ा है, उस चीज़ को हम ठीक ठीक विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से भाषा शैली की बात हो, काव्य सौंदर्य की बात हो, या फिर चंद्रबरदाई के लेखन की विशेषताएं हो, या फिर पद्मावती समय की विशेषताएं हो, उसके काव्य कला की विशेषताएँ हों, इन सब पर बात करने का मादा हम अपने अंदर तभी उत्पन्न कर सकते हैं जब हम मूल रचना को पढ़ सकें। जब हम उसे पढ़ेंगे तभी हम उसको उसकी तह तक पहुंच पाएंगे। तो इसी क्रम में हमने अपने इससे पहले 7 जो वीडियो हैं उसमें पृथ्वीराज रासो के पूरे पदों को समेटने का प्रयास किया है। तो समग्र दृष्टि अगर विकसित करनी है तो हमें इन सारे वीडियो को मिलाकर ही हम पद्मावती समय की सही विषय वस्तु को पकड़ सकते हैं, उसकी विशेषताओं को पकड़ सकते हैं। आज उनके पदों से संबंधित यह अंतिम वीडियो है, और जिसमें हम बात करने जा रहे हैं पद संख्या 65 से, अर्थात 64 पदों तक, पद्मावती समय के 64 पदों तक हम इससे पहले के जो श्रृंखला है वीडियो की उसमें बात कर चुके हैं, और आज हम 65वां जो उनका पद है वहाँ से प्रारंभ करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय का वह 65वां पद कौन सा है। वह 65वां पद है, गिरद उड़ी भान अंधार रैन, गई सुधी समुझे नहीं मज्जी नैन, सिर नायक मान पृथ्वीराज राज, पकड़िय साही जी कुलिंग बाज। अब फिर से हमें एक बार पुनरावलोकन करना होगा इससे पहले की कथा का। इससे पहले की कथा जब पृथ्वीराज जो हैं वो हरण करने के लिए आते हैं पद्मावती का, पद्मावती का हरण करके ले जाते हैं, तो पहला युद्ध जो है उन्हें राजा विजयपाल की और कुमुदमणि की सेना के साथ करना पड़ता है, और जब उस युद्ध से विजयी होकर वो आगे बढ़ते हैं तो उनका जो शत्रु शहाबुद्दीन कौरी है वो उनके साथ में युद्ध करने के लिए सामने आ जाता है। उससे जो युद्ध है उसका वर्णन यहाँ पर जो अंतिम दृश्य है कुछ युद्ध के, उनका वर्णन यहाँ पर चल रहा है। इससे पहले की पूरी एक कथा है, जब हम पुराने वीडियो देखेंगे, पुरानी कक्षाएं देखेंगे, तो हमें उसका पूरा कथा जो है वो उसकी मालूम पड़ जाएगी, पूरी चीज़ें जो है वो अपने आप जुड़ जाएंगी। तो इस पद में वो क्या कह रहे हैं, इस पद में वो युद्ध भूमि के दृश्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि गिरद उड़ी भान अंधार रैन, कि शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज के बीच में जो युद्ध हुआ उसे, इसे, इससे बिल्कुल पहले वाले जो पद था उसमें वो किस तरह से पृथ्वीराज जो हैं वो बड़ी कुशलता के साथ में शत्रु पक्ष के हाथियों के झुंड के अंदर खलबली पैदा कर देते हैं, भगदड़ मच जाती है। तो जब जानवरों के अंदर भगदड़ मच जाती है तो सुझाई नहीं देता है, वो कुछ भी सोचने समझने की शक्ति उनमें, क्षमता नहीं बचती है, वो एकदम घबरा उठते हैं और एकदम चारों ओर धूल ही धूल छा जाती है, उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता है और वो उसी के अंदर चक्कर लगाने लगते हैं। तो उसी क्रम में आगे कवि कहते हैं कि गिरद उड़ी भान अंधार रैन, कि चारों तरफ हाथियों के दौड़ने के कारण और उस धूल के गुबार के अंदर चक्कर लगाते के रहने के कारण वो धूल जो है वो पूरे वातावरण में छा गई, और भान अंधार रहे और मानो सूर्य पर भी छा गई, इसके कारण वहाँ रात्रि का सा अंधकार छा गया, हाथियों की भगदड़ के कारण इतनी धूल उड़ी कि सूर्य को ढक लिया और चारों ओर रात्रियों का सा अंधकार छा गया, और फिर गई सुधी समुझे नहीं मज्जी नैन, और उसके कारण अंधकार के कारण जो है वो चारों ओर अंधकार छाने के कारण कोई सुध नहीं रही, लड़ने वालों को दिखाई नहीं दे रहा था, समुझे नहीं मज्जी रैन,
नैन, नेत्रों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इतना वहां धुंधल का छा गया, चारों ओर गर्द ही गर्द छा गई कि वहां युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है यह आंखों से दिखलाई नहीं देता था। सिर नाय कमान पथि राज राज पकरिय साहि जिमकुलिंग वाज। और इसी अवसर का लाभ उठाते हुए राजा पृथ्वीराज ने अपने सिर को हल्का सा झुकाकर कमान के साथ अर्थात धनुष के साथ राजा पृथ्वीराज ने पकरिय साहि जिमकुलिंग बाज, राजा पृथ्वीराज ने शाही शाहबुद्दीन गोरी को पकड़ लिया जैसे कोई बाज गोरैया को पकड़ता है। तो ये भी एक रणनीति का हिस्सा था कि पहले हाथियों के अंदर खलबली मचा दो, हाथियों के समूह में भगदड़ मचा दो, वो चारों ओर घूमने लगेंगे और उस गर्द के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे और इतनी धूल उड़ने लगेगी उनकी उसके कारण कि कुछ दिखाई नहीं देगा। तो उसका अवसर का लाभ उठाकर राजा पृथ्वीराज ने बड़े तरीके से सिर को टेढ़ा करके नवा कर उन्होंने अपने धनुष से एक पाश बनाकर पृथ्वीराज ने शाहबुद्दीन गोरी के गले में डाला और उसको पकड़ लिया और उसे उसी तरह से पकड़ा जैसे कोई बाज जो है वो गोरैया को पकड़ लेता है। और वो कहते हैं कि इस तरह से जब उन्होंने उसको पकड़ लिया, बाज जैसे झपट्टा मारकर गोरैया पक्षी को पकड़ लेता है, ऐसे ही राजा पृथ्वीराज ने अपने शत्रु शाहबुद्दीन गौरी को पकड़ लिया। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर वर्णन युद्ध का किया है, किस तरह से युद्ध में रणनीति बनाई जाती है, अलग अलग तरीके की योजनाएँ बनाई जाती हैं, उसका चित्रण यहाँ पर उपमा अलंकार के माध्यम से भी उन्होंने किया है। अगले पद में वो कहते हैं ले चल्यो सिताबी करी फारी फोजम परे मीर से पंच तह खेत शोजम रंजपुत पचास झुज अमोरम बजय जीत के नत निशान घोरम। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं ले चल्यो सिताबी करी फारी फोजम। इस तरह से राजा पृथ्वीराज जो हैं शहाबुद्दीन बादशाह की फौज को चीरते हुए ले चला शाहबुद्दीन गोरी को। और वो कहते हैं ना कि जब राजा सेना का सेनापति या सेना का राजा ही कब्जे में आ जाए तो फिर वो अपने आप ही समर्पण कर देती है। तो वो राजा पृथ्वीराज जो है उसने अपने जो फौज को फाड़ते हुए फौज को चीरते हुए आगे बढ़ा और परे मीर से पंच तह खेत शोजम। और राजा पृथ्वीराज जब शाहबुद्दीन को बंदी बनाकर ले जा रहा है तो वहाँ युद्ध भूमि पर जो वीर खेत रहे हैं मीर से पंच 500 मीर सरदार शाहबुद्दीन गोरी की पक्ष के सेना के कुशल योद्धा तह खेत शोजम। वहाँ खेत मतलब क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, रण क्षेत्र पर पड़े हुए हैं चूजे के समान चौजम, जैसे कोई छोटा चूजा पक्षी होता है बिल्कुल निरीह सा, वैसे ही निरीह बनकर बड़े बड़े योद्धा बलशाली योद्धा भी युद्ध भूमि पर घायल पड़े हुए हैं। रंजपूत 50 जुज्जे अमोरव, यही नहीं युद्ध को स्वाभाविक रूप देने के लिए चंद्रप्रदाई ने यह भी वर्णन किया है कि राजपूती सेना के भी जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं कि राजपूत 50 अनमोल जुझारू और अमोरम से यह हम अर्थ ले सकते हैं कि जो कभी मुड़कर नहीं देखते अर्थात जो कभी भी अपनी पीठ नहीं दिखाते हैं ऐसे, या फिर अनमोल से भी ले सकते हैं, अनमोल 50 जुझारू राजपूत जो योद्धा थे वो भी उस युद्ध में मारे गए। बजे जीत के नद निशान घोरम, और चारों तरफ युद्ध के निशान नगाड़े जो हैं घनघोर आवाज़ के साथ में सुनाई देने लगे। और ये नगाड़े जो हैं वो एक तरह से राजा पृथ्वीराज की विजय की घोषणा कर रहे थे और इस तरह से वो बताते हैं कि किस तरह राजा पृथ्वीराज जो है वो विजयी होकर आगे बढ़ता है। यहाँ पर जो है उन्होंने युद्ध में एक तरह से कट्टर जो युद्ध है घमासान युद्ध है उसके पश्चात दिखाया है कि राजा पृथ्वीराज जो है वो विजयी होकर आगे बढ़ते हैं। अगला पद क्या है, अगला पद है जीती भई पृथ्वीराज की पकरी साह लय संग दिल्ली दिसी मार्ग लगी उत्तरी घाट गिरी गंग। अब जब राजा पृथ्वीराज विजयी हो जाते हैं तो अपनी विजय यात्रा को आगे बढ़ाते हुए वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर किया है। वो कहते हैं जीती भई पृथ्वीराज की, राजा पृथ्वीराज की शाहबुद्दीन गोरी के साथ हुए युद्ध में जीत होती है और पकरी साह लय संग,
और शहाबुद्दीन गोरी को अपने साथ पकड़कर दिल्ली दिशी मार्ग लगी दिल्ली दिशा की तरफ मार्ग में लगते हैं, पकड़ते हैं, बढ़ते हैं आगे उत्तरी घाट गिरिगंग पहाड़ को पार करके और जो गंगा के घाट को से उतर कर दिल्ली दिशा के मार्ग की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है कि किस तरह से पृथ्वीराज जो हैं गंगा के घाट से उतर कर पहाड़ को पार करके और दिल्ली की ओर जाने वाले मार्ग की ओर आगे बढ़ जाते हैं और शहाबुद्दीन गोरी को बंदी बनाकर दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। अगला पद है वर गोरी पद्मावती गही गोरी सुरता निकट नगर दिल्ली गए त्रिभुजा चौहान। राजा पृथ्वीराज जो हैं उनकी दोनों उनको सफलताएं मिलती हैं, दोनों ओर से वो विजयी होते हैं। एक ओर से तो वो पद्मावती को हरण करके लेकर आते हैं और दूसरी ओर अपने पुराने शत्रु शहाबुद्दीन गोरी को बंदी बनाकर लेकर आते हैं। इस तरह से यहाँ पे वर्णन किया गया है कि कवि चंद्रप्रदाई कहते हैं कि वर गौरी पद्मावती की गौर वर्णी पद्मावती का वर्ण करके और गही गौरी सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी जो सुल्तान है उसको पकड़ कर उसको गही उसको ग्रहण करके पकड़ करके गिरफ्तार करके निकट नगर दिल्ली गए दिल्ली नगर के निकट पहुंचते हैं। कहां पर? जहां पर त्रिभुजा चौहान जहां पर अष्टभुजा देवी का मंदिर है जहां अष्टभुजा देवी का मंदिर है वहां पर वो पहुंचते हैं अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। यहाँ पर उन्होंने गौरी शब्द जो है उसमें यमक अलंकार है। प्रथम गौरी से मतलब गौरवर्णी पद्मावती और दूसरी गौरी से दूसरा गौरी शब्द जो आया है उससे मतलब है शहाबुद्दीन गौरी से। इस तरह से उन्होंने अलंकारों का भी बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। अगला पद देखते हैं क्या है। बोली विप्र सोधे लगन सुग घरी परियठी है हर बांस है मंडप बनाए करी भंवरी गठी है। इस तरह से जब वो वहाँ पर मंदिर में पहुँचते हैं तो वहाँ जाकर क्या कहते हैं ब्रह्म वेद उच्च रही होम चौरी जू प्रतिवर पद्मावतीय दुल्हन अनूप दुल्लय पृथ्वीराज नर मंड्यो साहस सहापदी अठ सहस है वर सुवर दे दान मान षट बेश को चढ़े राज दुर्गह हुजर। इस तरह से राजा पृथ्वीराज जब दिल्ली में अष्टभुजा मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वो वहाँ के ब्राह्मण को क्या आदेशित करते हैं बोली विप्र सोधे लगन उस मंदिर के ब्राह्मण को पंडित को वो कहते हैं सोधने के लिए लगन शुभ घड़ी खोजने के लिए कहते हैं सुग घड़ी परिठी है शुभ घड़ी निश्चित करो लगन देखो अच्छे से लगन में ढूंढ के शुभ घड़ी निश्चित करो हर बांस है मंडप बनाए हरे बांस के सुंदर मंडप बनाकर करी भांवरी गठी है। उन्होंने पद्मावती से भांवरे लिए अर्थात फेरे लिए अर्थात बड़ा विधिवत उन्होंने जो विवाह लग्न ब्राह्मणों ने शीघ्र जो है वो उनका लगन निकाल दिया और शुभ घड़ी निश्चित कर दी। उस शुभ घड़ी के पश्चात हरे बांस के मंडपों का निर्माण किया गया और उस मंडप के नीचे पृथ्वीराज और पद्मावती जो है वध वर के रूप में वहां पर प्रस्तुत होते हैं। ब्रह्म वेद उच्च रही होम चोरी जो प्रतिवर वहां पर ब्राह्मण जो है वो वेदों का उच्चारण करते हैं और होम चोरी वहां पर वेदी यज्ञ वेदी बनाई जाती है जो प्रतिवर राजा पृथ्वीराज जो हैं वो वर के रूप में प्राप्त होते हैं पद्मावती को। तो वर जो है राजा पृथ्वीराज हैं जो वधु है वो पद्मावती है। तो यज्ञ की वेदी के पास बैठते हुए ब्राह्मण वेदों के उनका मंत्र जो है उच्चारण कर रहे थे उसी यज्ञ वेदी पर पद्मावती को वर के रूप में पृथ्वीराज की प्राप्ति होती है। पद्मावती है दुल्हन अनूप दुल्लय पृथ्वीराज नर राजा पृथ्वीराज जो श्रेष्ठ राजा हैं वो अद्वितीय दूल्हे के रूप में वहाँ पर उपस्थित हैं और पद्मावती अनुपम दुल्हन के रूप में वहाँ पर उपस्थित हैं। पद्मावती दुल्हन अनूप दूल्हे पृथ्वीराज नर मंड्यो सह सहाब्दी अठ सहस हैवर सुवर और उन्होंने एक तरफ तो विवाह सुनिश्चित किया विवाह की कार्यवाही को पूरा कर रहे हैं दूसरी तरफ वो जो शहाबुद्दीन गोरी है उसको साथ भी अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ा रहे हैं। विवाह का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात राजा पृथ्वीराज ने बंदी शहाबुद्दीन गौरी के साथ जो कार्यवाही को आगे बढ़ाया गौरी को दंडित किया और कहने का तात्पर्य ये है कि शहाबुद्दीन गौरी को ऐसा दंड दिया गया जिसके तहत वो क्या करेगा मंड्यो सह शहाबुद्दीन शहाबुद्दीन गौरी को मंडित किया अठ सहस हैवर सुवर 8000 श्रेष्ठ और सुंदर घोड़े का दंड देकर
8,000 श्रेष्ठ और सुंदर घोड़े दंड रूप में वो प्रदान करे। ये दंडित करके यह दंड उस शहाबुद्दीन गौरी पर मंडित किया और दैदान मान शटबेश को चढ़े राज दुर्ग गए हुजूर। उसके पश्चात राजा पृथ्वीराज जो हैं शटबेशी जो याचक थे, 6 प्रकार के जो याचक, उसमें यति है, भोगी है, सन्यासी है, जंगम है, चारण है और ब्राह्मण है, उन सारे शटबेशियों को दान देकर सम्मानित करके, बड़े सम्मान के साथ उनको दान देकर उसके पास पश्चात राजा पृथ्वीराज जो हैं वो जो राज दुर्ग है उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, उसके अंदर चढ़ाई कर जाते हैं, अर्थात राजमहल में वो प्रवेश करते हैं। अब जब राजा पृथ्वीराज राजमहल में प्रवेश करते हैं तो उनका कैसे स्वागत किया जाता है, इसका वर्णन अगले पद में किया गया है। चढ़िए राज पृथ्वीराज छाड़ी साहब दीन सुर, त्रिपत सूर सामंत बजत निशान गजत धुर, चंद्र बदनी मृग नैनी कलश लय सिर सनमुष जुष, कनक थार अति बनाए मोतीन बनाए सुष, मंडल मयंक वर नार सब आनंद कंठ गाई वै, ढोरत चंवर किक्कर करहीं मुकुट शीश तिक छू दिय। अब यहाँ पर राजा पृथ्वीराज जो हैं जब नव वधु नव ब्याहता पत्नी पद्मावती के साथ में राजमहल में प्रवेश करते हैं तो उनका कैसे स्वागत होता है वो उल्लेख यहाँ पर किया गया है। चढ़िए राज पृथ्वीराज, राजा पृथ्वीराज जो हैं वो राजमहल में प्रवेश करते हैं, राजदुर्ग में चढ़ जाते हैं। छाड़ी शहाबुद्दीन सुर, शहाबुद्दीन गौरी को जो 8,000 श्रेष्ठ घोड़ों का दंड लगाकर शहाबुद्दीन गौरी को भी वो मुक्त कर देते हैं। और त्रिपत सूर सामंत सब, जब सभी सामंत पृथ्वीराज के सभी सामंत मंत्री योद्धा सेना के सैनिक जब देखते हैं कि राजा पृथ्वीराज सकुशल अपनी पत्नी के साथ में प्रवेश कर रहे हैं राजमहल में तो वो देखकर उनको बड़ी तृप्ति होती है, बड़ी संतुष्टि होती है। बजत निशान गजत दूर, और धरती को कंपाय मान कर देने वाले भयंकर नगाड़े जो हैं वो लगातार बजते रहते हैं और सारे चारों ओर जो है वो प्रसन्नता का उत्साह का वातावरण छा जाता है। चंद्र मृग नयनी कलश लय सिर सनमुष जुष, चंद्रमा के समान मुख वाली और मृग के समान नेत्र वाली जो महिलाएं हैं वह वहां पर नारियां जो हैं वो कलश लय सिर, सिर पर कलश धारण करके सनमुष जुष सन्मुख जुट जाती हैं, अर्थात स्वागत हेतु सन्मुख आ जाती हैं। और कनक थार अति बनाए मोतीन बनाए सुर, उन्होंने क्या कर रखा था और सोने के थालों को खूब अच्छी तरह से सजा रखा था और सुखपूर्वक मोतीन बनाए सुष, सुखपूर्वक उनमें मोती भर रखे थे, अर्थात सोने से बनी हुई थालियों में उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से उसको सजा रखा था। मंडल मयंक वर नार सब आनंद कंठ गाइयां, इस तरह से चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली सभी सुंदर श्रेष्ठ नारियां मंडल मयंक वर नार सब आनंद कंठ है गावी, सारी नारियां जो हैं समूह में बंद कर राजा पृथ्वीराज के चारों ओर घेरा बांधकर आनंदित कंठ से स्वागत के मंगल गीत गाने लगती हैं, मंगल गान करने लगती हैं। और फिर डोरत चंवर किक्कर कर रही, सेवक जो हैं वो चंवर डुला रहे हैं, उनको पंखा कर रहे हैं। मुकुट शीश तिक छू दियव, और राजा पृथ्वीराज को शीश मुकुट पहनाया गया और मस्तक पर तिलक का स्पर्श करके सेवकगण उनके ऊपर चंवर डुलाते हैं। इस तरह से पुनः अपनी राजगद्दी पर आकर राजा पृथ्वीराज विद्यमान होते हैं, चारों ओर सुख का वातावरण होता है, चारों ओर तृप्ति होती है। और एक राजा जिस तरह से पुनः अपनी राजगद्दी को ग्रहण करता है वो सारे मंगल कार्य करके उनको पुनः राजगद्दी सौंप दी जाती है या राजगद्दी पर वो आसीन हो जाते हैं। बड़े राज दुर्गह निपति सुमत राज पृथ्वीराज अति आनंद आनंद स हिंदवान सरदार। इस प्रकार राजा पृथ्वीराज जो हैं वो राजदुर्ग सर्वश्रेष्ठ राजा पृथ्वीराज जो हैं अपने राजदुर्ग में प्रवेश करते हैं, राजमहल में प्रवेश करते हैं। और राजा पृथ्वीराज के लिए वो विशेषताएं और विशेषण उनके लिए उपयुक्त करते हैं। सुमति मतलब अच्छी बुद्धि वाले,
राज सुशोभित होते हैं राजा पृथ्वीराज। अति आनंद आनंद से हिंदवान सरताज, और अत्यंत आनंद सहित हिंदुओं के सरताज, हिंदुओं के शिरोमणि, हिंदुओं में सबसे श्रेष्ठ राजा पृथ्वीराज जो हैं वो बड़े आनंद के साथ, वे राजा पृथ्वीराज जो सुंदर बुद्धि वाले हैं और अत्यंत बुद्धिमान राजा पृथ्वीराज हिंदुओं में शिरोमणि थे, और अत्यंत आनंदित होकर प्रसन्नता के साथ में वो दुर्ग के ऊपर चढ़ गए। अर्थात बड़ी प्रसन्नता को अनुभव करते हुए आनंदित होकर वो अपने दुर्ग में प्रवेश करते हैं और पृथ्वीराज जो हैं वो विजयी होते हैं, सुखी और संपन्न होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो पद्मावती समय है उसका ये अंतिम पद था। पद्मावती समय के अंतिम पद के साथ में उनका ये व्याख्या का पूरा खंड जो है वो समाप्त होता है, और हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से उसमें मिश्र भाषा का प्रयोग है, मिश्रित भाषा का प्रयोग है। षटभुज भाषा हमने पहले जो सबसे पहला वीडियो था उसमें पूरा इनकी भाषा को लेकर भी कुछ वीडियो में हमने बात की है, पहले वीडियो से लेकर आगे लगातार वीडियो में बात की है। षटविद भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है और किस प्रकार से लोग जो हैं वो उसे प्राचीन इसमें जो इतने जो ब्रज के शब्दों का प्रयोग है उसको देखकर कुछ विद्वान कहते हैं कि इसमें भाषा के साथ छेड़छाड़ हुई है, ये प्राचीन ग्रंथ नहीं है, प्राचीन ग्रंथ होने से भी इनकार करते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा पृथ्वीराज की कथा वस्तु को, उसकी भाषा को, उसकी शैली को, पद्मावती समय की विशेषताओं को, किस तरह से उन्होंने चंद्रवरदायिनी ने कथा को पिरोया है, आगे बढ़ाया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।